टू प्रथम आईएएस, तो देखिए आप लोग को अभी तक ये न्यूज़ तो पता चली गया होगा कि कल नेपाल में एक प्लेन क्रैश हुई है यति एयरवेज की। तो इससे बहुत सारे लोगों की, ऑलमोस्ट जो 72% की कैपेसिटी थी प्लेन की, उसमें से 68 की डेथ अभी तक कंफर्म हो चुकी है। तो देखिए होता क्या है कि जब भी कोई ह्यूमन लाइफ की लॉस होती है, इवन आज बुद्धिजीवी इंसान को सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक तरीके से सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म माना जाता है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जब एक ह्यूमन लाइफ को खतरा होता है तो हम लोग बहुत दुखी होते हैं। और मैं यहाँ पे प्रथम आयस की तरफ से उन सभी मृतकों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ कि जिन्होंने अपनी जीवन को यहाँ पे खोया है। तो चलिए इसमें हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि थंबनेल से कि एक्चुअली में इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट को क्यों जोड़ करके देखा जा रहा है, कि क्या ये एंड हो सकता है चाइनीज़ BRI की, दैट इज़ बॉर्डर एंड रोड, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसकी क्या ये एंड शॉर्ट हो सकती है पूरे इंटरनेशनली। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे इंडिया की जो एक कंसर्न थी कि भाई एक तो हमारी ये इंटरनल सिक्योरिटी को इम्पैक्ट करता है व्हेन इट इज़ पासिंग थ्रू द J&K ऑक्यूपाइड बाई पाकिस्तान, जिसे वो आज़ाद कश्मीर बोलता है, तो वो ऑलरेडी एक तो था कि मेरे कंट्री के पार्ट के थ्रू जब कोई प्रोजेक्ट जाएगी तो आपको हमसे कंसर्न, हमसे जुड़ना चाहिए, ना कि पाकिस्तान से। और दूसरा कि जो वर्ल्ड वाइड इसको एक तरीके से डेट ट्रैप की सिचुएशन देखी जाती है, तो इन सभी पहलुओं पे यहाँ पे डिस्कशन करने वाले। जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब। देखिए कल जैसा मैंने आपको बताया कि अभी हाल ही में जो है ना, कुछ दिन पहले, 10-15 दिन पहले, 14 दिन पहले आपको एक एयरपोर्ट यहाँ पे बनाया गया था BRI के फंडिंग के द्वारा। और जहाँ तक देखिए BRI जो है ना, एक तरीके से लिटरली आप समझिए तो बिल्कुल गोपनीय तरीके से होता है। यहाँ पे कोई आपको यहाँ पे एग्रीमेंट पब्लिकली नहीं रखा जाएगा। इवन एक तरफ चाइना होती है और दूसरी तरफ दूसरे कंट्री होते हैं जो BRI को साइन करते हैं। अगर वो कंट्री मान लीजिए एक तरीके से कि वो डेमोक्रेटिक है, वहाँ पे कोई ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट नहीं है, फिर भी उनको चुपचाप ये साइन कराया जाता है कि भाई साहब आप जो है ना पब्लिक डोमेन में इसकी सारी शर्तों को नहीं रखोगे। और यही जो एक कंसर्न बना रहा था इंटरनेशनली, वो चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिलता है। और जब 2017 में यहाँ पे एक तरीके से इंटरेस्ट दिखाया गया था, 2017 में इस एग्रीमेंट को साइन किया गया था इस पार्टिकुलर पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए, उसके बाद से इसकी इनॉग्रेशन जस्ट आप बोल सकते हैं 10-15 दिन पहले हुई थी। और उसी पे जब ये प्लेन क्रैश लैंडिंग कर रहा था यति एयरवेज का, तो वो क्या कर गया आपको, क्रैश कर गया, ठीक है। और ये चीज़ें कहाँ पे हुआ था, तो एक रिवर था वहाँ पे शेती रिवर, तो उसी के आसपास ये क्रैशेस हुई है और यहाँ पे लगभग 68 लोगों की मौत हो गई। अब यहाँ पे कंसर्न ये आता है कि भाई ये जो चीप डेट ट्रैप वाली, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि इतना चीज़ होने के बाद यहाँ पे इसको चाइना क्या करेगा कि भाई मेरा तो ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था चाइना नेपाल कोऑपरेशन का। भाई ऐसा कौन सा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट होता है कि आपको यहाँ पे 10-15 दिन हुए हैं इनॉग्रेशन का और यहाँ पे जो है इतनी बड़ी क्रैशेस हो गई है। हालांकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नेपाल में जो प्लेन क्रैश की घटना है वो आपको हमेशा, कोई ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ, 2022 के मई में भी हुआ था, उसके बाद ये लगभग 60-70 सालों से जो ऐसा चलता आ रहा है। और मैं आपको आगे बताऊँगा कि ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, एक तरीके से नेपाल की ये थर्ड एयरपोर्ट थी, उसको बंद कर दिया गया है। और यहाँ पे जो है ना, जो एक तरीके से जो चाइना की ये डोनेटेड प्रोजेक्ट थी उस पर कहीं ना कहीं जो BRI इसका मेन पार्ट था, ये उसको एक बहुत बड़ी शॉक लगी। और अब इंटरनेशनल कम्युनिटी, चाहे USA हो या USA इनिशिएटेड जो अभी आपको इंडो पैसिफिक इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे जापान जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत आगे है, इंडिया की कोऑपरेशन, क्योंकि ऑलरेडी जो जॉइंट है आपको एशिया का, दोनों इंडिया और चाइना, उसमें से एक कंट्री जो है ना दूसरे के प्रति ऑब्वियसली थोड़े चैलेंजेस क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे सबको मिलकर के इसको जो है, इसके कंसर्न्स को यहाँ पे देखना चाहिए। और जो यहाँ पे मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि जो जिस तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चाइना के इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट BRI के बारे में बताते हैं, मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल बताने वाला हूँ कि देखिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको लिखेगा कि इतना सब होने के बाद जब चाइना BRI का पार्ट बनाना चाह रहा था नेपाल को, तो उस टाइम पे बोला कि भाई देखो
चाइना पैसा देता है आपको लोन के रूप में और आप खूब लग्जोरियस लाइफ जीते। और इस तरह की जो वल्नरेबिलिटी वाली, देखो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो डेट ट्रैप और बिना किसी कंसेंसस की जो एक लोन होती है उसमें ये छोटे छोटे कंट्री फंस जाते हैं। और अभी हुआ भी, श्रीलंका की जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसके पीछे मेन चाइना है, हम्बनटोटा पोर्ट भी ले लिया। और उसके बाद जिस दर पे जो है ना आपको यहाँ पे लोन दिया गया वो इतनी ज़्यादा हाई है कि उससे सस्ते लोन तो आपको मार्केट में इंटरनेशनली मिल जाएगा। वही आपको सीपेक का वही हाल है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है और जिसका इंडिया हमेशा से विरोध करता रहा। तो ये सारी चीज़ें जो एक डेट ट्रैप है ना अफ्रीकन, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको यति एयरलाइंस की कुछ रिपोर्ट्स मिल जाएंगी जिसके बारे में। और ये जो हिस्ट्री मैंने बताया कि देखो फरवरी 2019 में भी एक एयर डायनास्टी हेलीकॉप्टर था वो भी क्रैश हो गया था। फिर उसके बाद एक तारा एयरप्लेन की 22 लोगों की जो एरोप्लेन थी वो भी क्रैश कर गया था। तो ये सब चीज़ें रीजंस ये है कि जो नेपाल की माउंटेनियस टेरेन जो है और जो लो इन्वेस्टमेंट होता है एयरलाइंस पे, इवन दो उनकी जो टूरिज्म है बहुत इंपॉर्टेंट है नेपाल की, और जो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और रेगुलेशंस जो है नेपाल का वो भी एक रीज़न इसमें से हो सकता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके रेगुलेशन जो पुअर है ना उसके कारण से यहाँ पे जो चाइनीज़ जैसे लोग हैं, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो अपनी लुभावना दे करके आपके लोगों की जान को खतरा पहुँचता है। और देखिए ये क्रैश केवल लोगों की जान नहीं लेकर के गई है, इससे क्या होगा कि इंटरनेशनली, सिंस आपकी ये एयरपोर्ट इंटरनेशनल थी तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आने वाले थे। और अब पता चल रहा है कि देखो भाई लोगों की तो डेथ ही हो जाती है, तो टूरिस्ट आपको आएंगे ना, और अल्टीमेटली जो नेपाल का एक बहुत बड़ा सेक्टर है टूरिज्म की वो यहाँ पे इम्पैक्ट होने वाला है। और इस तरीके की चीज़ें आपको द ग्रेट डाउनफॉल ऑफ चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये चीज़ें आपको स्टार्ट हो गई थी क्योंकि अफ्रीका में बहुत ऐसा देखा जाता है कि वहाँ पे जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है इनको कंसर्न जताती है कि भाई यहाँ पे जितने भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट है वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, जो पुअर लेबर की कंडीशंस है, लिविंग स्टैंडर्ड है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्या होती है कि ओवरऑल जो चाइना की बियर है उसको यहाँ पे ठेस पहुँचाता है। और इसमें एक बहुत बड़ी नेल यहाँ पे फिर से लगा है, लो क्वालिटी ऑफ द चाइनीज़ बियर है प्रोजेक्ट, जब यहाँ पे इंटरनेशनली क्रैश कर गया आपको यहाँ पे एक प्लेन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मोस्ट वल्नरेबल कंट्री यहाँ पे देख सकते हैं डेट ट्रैप का, यहाँ पे आपको एक मिलेगा पाकिस्तान भारत के जस्ट बगल में, उसके ऊपर में आपको जो सेंट्रल एशिया की 5 कंट्री उसमें से 2 आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, नीचे आपको श्रीलंका दिख रहा होगा, इधर आपको जो है वियतनाम, साउथ एशिया में आपको एक कंट्री आपको वहाँ पे लाओस दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, और इस कारण से आप देखोगे कि जब से शी जिनपिंग बिना मरने तक जो प्रेसिडेंट बन के रहेंगे उनका एक ही सपना है कि भाई 2013 में जो मैंने स्टार्ट किया था ना बियर है उसको किसी तरीके से यहाँ पे पूरी दुनिया में क्रिटिसिज्म होने के बाद भी आपको यहाँ पे लगे रहना और बना के रखना। हालांकि इसमें जो यूएसए की जो एक बिल्ड बैक बेटर बेटर करके 3B करके जो आपको एक इनिशिएटिव आया था वो इम्पोर्टेंट योगदान लगा था, इंडो पैसिफिक का यहाँ पे इम्पोर्टेंट। तो सबको मिल करके यहाँ पे ज़रूर इस कंसर्न को उठाना चाहिए और उठाते भी रहते हैं, क्योंकि ये जो आप सामने में देख रहे हो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो डेट क्राइसिस है ये हमेशा इंक्रीज हो रही है जब से BRI, सारे कंट्रीज यहाँ पे जो है ना उनकी डेट ट्रैप बढ़ती जा रही है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा चीज़ जो डेट ट्रैप और चीप एक तरीके से जो है लोन रेट के नाम पे जो अंदर से महंगे लोन प्रोवाइड किए जाते हैं चाइना के द्वारा, तो ये सारी कंसर्न जो है आपको अब इंटरनेशनली उठाने की ज़रूरत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है कि नेपाल भाई आप सामने आओ, आप बताओ कि आपकी इतनी ज़्यादा लोन रेट होने के बाद भी इस इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम क्यों हुई इतना ज़्यादा। ठीक है, तो आपको बताने की ज़रूरत है क्योंकि जब तक जो आदमी खुद डेंजर में होता है, जो प्रॉब्लम होता है, अगर वो नहीं बताएगा तो यहाँ पे जो है ना लोगों को हकीकत विश्वास नहीं होता। तो उम्मीद करते हैं ये सारा चीज़ें आपको समझ में आओगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।